स्टूडेंट श्रीमती मौर्य देवी दाबड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कंटिन्यूटी को डिस्कस किया था कि कोई भी जो फंक्शन होता है वो कब कैसे कंटिन्यूस होता है, उसके लिए अपन ने कोसी और हेनी की जो परिभाषा थी उसको अपन ने डिस्कस किया था। आज उसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से कोई जो फंक्शन है वो अपना यहाँ पर कंटिन्यूस हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से इसको अपन अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम्पल जो है उसमें अपने को फंक्शन दे रखा है मोड की फॉर्म में, और फंक्शन दे रखा है fx इजिकल्स टू मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, या नेचुरल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू अपने को यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और अपने को प्रूफ करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो यहाँ पे दिखानी है जीरो और वन के लिए। x इक्वल टू जीरो व वन पर संतत है, ये अपने को यहाँ पे दिखाना है। क्लियर है मेरी बात? तो अपने को जीरो और वन पर इसकी कॉन्टिन्यूटी दिखानी है, तो सबसे पहले तो अपने को इसके फंक्शन को ही निकालना पड़ेगा। फंक्शन जो है वो अपन जीरो के लिए और वन के लिए, अपन इन दोनों के लिए यहाँ पे पहले फंक्शन को यहाँ पे निकालते हैं। तो फंक्शन निकालते हैं, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे बात हो रही है फंक्शन की, एक्स जब अपना फंक्शन जो है वो मोड की फॉर्म में है ये अपन देख पा रहे हैं, लेकिन मॉड्यूलस की फॉर्म में होता है तो ये टूटता है। ठीक है, अलग अलग लिमिट्स के लिए, जीरो और वन के लिए ये जब ये टूटेगा तो जब अपनी वैल्यू एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से कैसी होगी, लेस देन होगी। ठीक है, जब ये अपने एक्स की वैल्यू जीरो से लेस देन होगी तब अपना फलन बनेगा ये, देखिए कैसे। जब इसकी वैल्यू जीरो से लेस देन होगी तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा, और ये कोष्टक भी क्या होगा, माइनस ही होगा। अब इसको सरल कर लीजिए, अपने पास क्या आएगा, वन माइनस टू एक्स। ये किसके लिए फंक्शन आया, एक्स लेस देन जीरो के लिए। क्लियर है मेरी बात? अब अपन यहाँ पे देखेंगे वन के लिए, तो जब यहाँ पे अपन वन रखेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप वैल्यू को क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे इसके अंदर एक्स इक्वल टू जीरो के लिए। ठीक है, अब ग्रेटर देन जीरो के लिए ये कैसे होगा, तो जब अपन एक्स ग्रेटर देन जीरो की बात करेंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो में ये तो क्या रहेगा, अपना पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, फिर भी नेगेटिव ही रहेगा। तो जब अपना नेगेटिव ही रहेगा तो इस कंडीशन में सॉल्व होके इस तरह से आएगा, तो ग्रेटर देन के लिए भी अपने फलन का मान कितना आएगा, वन ही आएगा। क्लियर होगी मेरी बात यहाँ तक? ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अपन लेस देन वन के लिए इसको। तो लेस देन वन के लिए भी आप देख लीजिए, जब लेस देन वन की बात होगी तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, और ये जो फलन होगा इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, जीरो से ग्रेटर देन और इक्वल के लिए भी ये रहेगा, और वन से लेस देन और ग्रेटर देन के लिए भी अपना फंक्शन यही रहने वाला है। क्लियर होगी? अब ग्रेटर देन की बात करते हैं, तो ग्रेटर देन में दोनों ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव, यानी टू एक्स माइनस वन रहेगा एक्स ग्रेटर देन वन के लिए। क्लियर हो गई? ये अपना यहाँ पर क्या आ गया है, अपना फंक्शन जो है वो अपन ने खोल के लिख लिया। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूटी, या संतता के दो, संतता के दो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं अपन। तो एक्स इक्वल टू जीरो की बात करेंगे, तो मैंने आपको कल जब डेफिनेशन बताई थी तब मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, जब तीनों का मान क्या रहता है, अपना इक्वल रहता है, तब अपना फलन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो बस वही काम करना है अपने को, सबसे पहले तो एफ जीरो का मान, मतलब फलन का जीरो के लिए ही मान ज्ञात कर लीजिए। तो जीरो के लिए मान क्या आएगा, एक्स इक्वल टू जीरो है तब अपना मान क्या है, यहाँ पे वन है, तो इसके लिए तो क्या आ गया, वन आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अपन निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी फलन की जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो यही तो लिखते हैं, जैसे अपन उसमें x माइनस जीरो लिखते थे, लेकिन यहाँ पर अपन x जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट, वो क्या लेके चल रहे हैं, जीरो लेके चल रहे हैं, तो जीरो माइनस जीरो लिखेंगे इसको, और इसकी लिमिट x टेंस टू जीरो,
जीरो माइनस किस पर अप्लाई करेंगे? फलन पर अप्लाई करेंगे। तो फलन लेस देन के लिए फलन कितना है? वन माइनस है टू एक्स, ठीक है। अब इस फलन में आप क्या रख दीजिए, एक्स की जगह जीरो पर पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? वन ए आ जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात? फलन वही लेके चलना है जो फलन इसके लेस देन के लिए डिफाइन हो। जीरो माइनस जीरो का मतलब क्या हो गया? जीरो से लेस देन जितनी भी वैल्यूज है, लेस देन वाले के लिए फलन अपना क्या डिफाइन है? वन माइनस टू एक्स यहाँ पर डिफाइन है, ठीक है। ये इसकी एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब अपन पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद अपन राइट हैंड लिमिट को देखेंगे। तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और उसके लिए अपन क्या लिखते हैं? एफ जीरो प्लस जीरो लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है। अब जीरो प्लस इन द सेंस यहाँ पर क्या बन जाएगा? अपना फलन कितना है? ग्रेटर देन के लिए अपना फलन कितना? वन है, तो वन पुट कर दीजिए। तो अपन देख पा रहे हैं फलन पर जीरो की वैल्यू, मतलब जीरो पर फलन की वैल्यू एल एच एल और आर एच एल तीनों क्या आ रही है? मेरी इक्वल आ रही है। तो इस कंडीशन में एफ जो अपना फलन जो है वो क्या आ जाएगा? कॉन्टिन्यूस ही आ जाएगा। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस चीज़ को कि एफ जीरो माइनस जीरो, एफ जीरो इक्वल एफ जीरो प्लस जीरो, ठीक है। ये तीनों कैसी आ रही है? मेरी इक्वल आ रही है। अतः एक्स इक्वल टू जीरो पर फलन संतत होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर होगी मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। ये अपना पहले पॉइंट के लिए अपन ने निकाल लिया। अब अपन प्रूफ करेंगे इसको एक्स ग्रेटर देन वन के, सॉरी एक्स इक्वल टू वन के लिए। तो सेम प्रोसेस रहेगा, अपना फलन को लेते जाना है और इसको सॉल्व करना है। तो x इक्वल्स टू वन पर, तो सबसे पहले तो f वन का ही मान ज्ञात कीजिए। तो f वन का मान कितना है? अपना वन है, ठीक है। अब उसके बाद अपन एल एच एल की बात करेंगे। f वन प्लस जीरो, सॉरी वन माइनस जीरो, क्योंकि जब ये अपन बात करते हैं माइनस की बात कर रहे हैं अभी, तो अपन क्या लिखेंगे? वन माइनस जीरो। तो इस कंडीशन में लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। वन के ऊपर माइनस लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद लिखा जाता है, यहाँ पर अपन बात करेंगे, तो वन माइनस जीरो हो गया, लिमिट एफ वन माइनस जीरो लिख देते हैं इसको। अब अपन जानते हैं कि इस कंडीशन में अपना फंक्शन क्या है। तो इस कंडीशन में जब अपना वन लेस देन है, तब अपना फलन कितना है? यहाँ पे वन है, तो मैं डायरेक्ट वन लिख देती हूँ। वन पे लिमिट वन लगाएंगे तो वन ही आ जाएगा। क्लियर हो गई? ये क्या आ गई? एल एच एल। अब निकालते हैं इसका आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए एफ वन प्लस जीरो यानी लिमिट जो है एक्स टेंस टू वन प्लस जीरो, ऐसे लिखेंगे। और ग्रेटर देन वन के लिए अपना फंक्शन क्या है? टू एक्स माइनस वन, यही तो है। अब देखिए, अब अपन क्या रख देंगे? एक्स की जगह यहाँ पे वन पुट कर देंगे, ठीक है। या अपन ऐसा भी करते हैं कि जब अपन वन प्लस जीरो की जगह जब अपन इसको एक्स एच से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, यानी जब भी अपन कंटिन्यूटी या अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एक नया फंक्शन लाते हैं एच, एच टेंस टू जीरो और टू, और जो एक्स होता है उसके साथ वन प्लस एच लिखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे कम हो रहा होता तो यहाँ पे क्या लिखा जाता? वन माइनस एच लिखा जाता। यानी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में अपना फंक्शन एक्स आ रहा होता तो वहाँ पर क्या लिखते अपन? वन माइनस एच लिखते। क्लियर है? अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। एच को अपन जीरो पुट कर देंगे और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? वन ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन देख पा रहे हैं कि तीनों पर क्या आ रही है? एफ वन माइनस जीरो, एफ ऑफ वन है और एफ ऑफ वन प्लस जीरो, तीनों कैसी आ रही है? मेरी इक्वल है आ रही है। तो इस कंडीशन में फलन क्या हो जाएगा? अतः फलन है एक्स इक्वल्स टू वन पर भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा, संतत होगा। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अपन यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर अपना जो मान है, अगर वो तीनों कंडीशन क्या आ जाती है अपनी, इक्वल आ जाती है, तो अपन उस कंडीशन में यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो गिवन फंक्शन होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है होगा। क्लियर है? अब देखिए, ये तो हो गई कॉन्टिन्यूटी की बात। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में अपन ने एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस किया है। मॉड्यूलस के जो फंक्शन होते हैं, सबसे पहले तो आपको मॉड्यूलस के फंक्शन को अच्छे से खोलना आना चाहिए कि किस तरह से अपन मॉड्यूलस के फंक्शन को खोलते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।